रघुनाथनितम सांग सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम कृष्ण पादान सहगन उधर उधर मत बैठ ऊपर कौन बैठेगा श्री विशाखा नित्यानंद राजा ऊपर आओ बच्चा कल्प दुर्भस्य कृपा सिंधु भय बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः गुरुदेवाय धीमते हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण श्रीमद् भक्ति हरे कृष्ण सिद्धार्थ हरे कृष्ण प्रभु श्री राधे नामयम विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी हरे कृष्ण मात भक्ति प्रज्ञा हरे कृष्ण केशव हरि अति मर्त चरित्राय स्वासिताय नंच पालिन जीव दुखे सजात्राय श्री नाम प्रेमदायिनी नामयम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने श्रीवार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रमाढ श्री रूपानुग्रह श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये नताये श्री रूपानुग विरुधाप सिद्धांत दंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर संबोधे पादं पूजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्तं निर्देशास्वज प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिमृदे देवी सत्यवते नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक बार जोर कर आप कुछ बोल नहीं रहे हो हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद की जय जय श्री राधा गुरुदेव दया करेगा ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके Thank you.
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Thank you.
आप बोल जो स्वयं जा सकते हैं जी चालू कर तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो मैं बलिहार प्यारे जो तेरी मंद मंद मुस्कान
इसको मुझे मोहल्ले में कुछ चोर आ जाएंगे, बुलाना बुलाना पड़ता है। पहले किसी को बोला आने के लिए? हाँ बोल रखा है। जाएंगे आप क्या? आवाज जा रही है। जब माइक लगा ना तो बताइए बात। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हाँ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा I'm not afraid.
हरि बोल। आप लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाएगा, जो जो पीछे आएगा वो पीछे बैठे। तुम थोड़ा आगे आ जाएगा, आप भी खड़े हो। हाँ हरि का भजन कर, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन
लाल की जय। श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। सर्वप्रथम अपने हृदय नित्रिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। आज हमारा सौभाग्य घर में संत पधारे हैं जो भगवत स्वरूप ही होते हैं, इसलिए हमारा घर अब ये घर नहीं रह जाता, ये गोलोक हो जाता है। जब भगवान का कीर्तन घर में होता है तो साक्षात भगवान विराजमान हो जाते हैं। श्री शंकर जी पार्वती से बोल रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशा विष्णुराधना नाम परम। मतलब कि इस जगत में बहुत लोग हे देवी मुझे ही परम ईश्वर मानते हैं, परंतु सबसे बड़ी आराधना जो है वो विष्णु की, उससे बढ़कर कोई भी आराधना या पूजा नहीं है। और उनके समकक्ष भी कोई पूजा आराधना नहीं है तो उनसे बढ़कर कैसे हो सकती है। ये पार्वती जी को कौन बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं। तो मूल विष्णु कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस जगत में हम आए हैं तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र का हरि नाम हमें गुणगान करना चाहिए। एक बार सब बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बताओ, देखो ये जो महामंत्र है इसे कलयुग का महामंत्र बोला गया। ये चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत सुंदर तरीके से इसका प्रचार किया और इन्हीं की परंपरा में जो षड गोस्वामी हुए, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, इनको चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण का धाम जो ब्रज है, जो वृंदावन है, जो मथुरा में पूरा परिवेशित है, उसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाएं हुई हैं और लीला स्थलियां जो हैं वो लुप्त हो चली हैं, उनको हमें वापस उजागर करना चाहिए। और कलयुग इतना प्रचंड है, इसमें माया हर जीव को इतना चंचल बना देती है कि वो यहाँ किस लिए आया ये भूल जाता है और यहाँ पर आकर के केवल माया में ऐसा अपने आप को लिप्त होकर के उसमें बस तन मन धन लगा देता है और धन अर्जित करने के लिए, ग्रह में जो है धन संग्रहित करने के लिए, लेकिन जीवन हमें मिला है हरि नाम करने के लिए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो हमें हरि भजन को नहीं बोलना है, ठीक है, घर में रहना है, घर की सारी जितनी भी हमारी जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए, लेकिन मुख्य लक्ष्य को नहीं बोलना। मुख्य लक्ष्य क्या है? हरि नाम, हरि नाम का जप करना, हरि नाम संकीर्तन करना। और यदि भगवान में प्रीति हो जाए तो ये शिव विग्रह जो आप लोग देख रहे हैं, हम जो अभी तक इसको मूर्ति मानते हैं, इन्हें हम शिव विग्रह बोलते हैं। मूर्ति वह है जो हिलती डुलती नहीं, जो बात नहीं कर सकती, लेकिन शिव विग्रह वह है जो विशेष रूप से हमारी सेवाओं को ग्रहण करे, जो हमसे पूर्ण तरीके से बातचीत करे, हमारी सेवाओं से तृप्त होके हमें हर प्रकार के फल प्रदान करने में सक्षम। तो ये शिव विग्रह है, इनको मूर्ति नहीं कहते हैं। तो ये शिव विग्रह का प्रकाशन भी जो है
रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं उन्होंने ही प्रकट किया। इनको भगवान से अलग नहीं मानना चाहिए। भगवान का दर्शन करने के लिए हमें पूर्ण तरीके से पवित्र अवस्था में आना है। इसीलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके इस जगत में अर्च विग्रह प्रकटित किए। ये भगवान का ही अवतार कहलाता है। कलयुग में बहुत सुंदर तरीके से हरि नाम रूपी अवतार भगवान का यहाँ प्रकट है। जो भी हम गा रहे थे सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे रामा रामा हरे हरे। ये महामंत्र को हमेशा हमें जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि वेद व्यास जी भी जब भागवतम लिख रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी यहाँ अवतार हैं वो भगवान की कला है या कला की कला है, अर्थात अंश है या अंश के अंश है, लेकिन जो परम ईश्वर है वो एकमात्र भगवान स्वयं कृष्ण है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो मूल विष्णु कहे जाते हैं हमें उनकी आराधना पूजा इत्यादि करनी चाहिए। अब ये जो शिव विग्रह है इसकी सेवा पद्धति हमारे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो षड गोस्वामी हैं उनने सुंदर तरीके से इनको प्रकाशित भी किया और उनकी सेवा पद्धति को भी प्रकाशित किया। तो श्री रूप गोस्वामी जी जब ब्रज लीला को प्रकाशित कर रहे थे तो वहां पर पद्म पुराण और अन्य अन्य पुराण वराह पुराण इत्यादि को लेकर के उनमें से वो रोज देखते कि कहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं और उसमें से संकेत और प्रेरणा प्राप्त करके उन लीला स्थलियों को पुनः उजागर किया। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हमारे लिए इस कलयुग में पूर्ण तरीके से भक्ति का वरदान प्रदान करने के लिए आविर्भूत हुए। श्री रूप गोस्वामी की जय। उन्हीं की वजह से आज जो हम वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, पूरा ब्रज इन्होंने फिर से प्रकाशित किया। ये गोविंद देव जी का मंदिर यदि आप जाएंगे तो वहां वृंदावन में है और वो श्री गोविंद देव जी जो प्रकट हुए श्री रूप गोस्वामी जी हमेशा चिंतन करते रहते थे कि कहां है गोविंद देव जी जो है यही कहीं लुप्त हैं और नजर नहीं आते। उनको एक बार स्वप्न हुआ कि मैं यहां गो माता टीला के नीचे दबा हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सुंदर तरीके से दर्शन दिया स्वप्न में और आदेश दिया कि मैं गो माता टीला के नीचे दबा हुआ और मुझे यहां से निकालो। बहुत समय हुआ दबे दबे, मैं पूरी तरह से तापित हो रहा हूं, मुझे पुनः मेरे को निकाल करके मुझे सुंदर तरीके से चंदन इत्यादि दे करके मेरी जो ताप है मेरे शरीर में उसको दूर करो। तो ये सुन करके तो रूप गोस्वामी जी बड़े आश्चर्यचकित और बड़े भाव विभोर और रुदन करते हुए कहां गो माता टीला कहां गो माता टीला। आज हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन पूरा बहुत बड़ी सिटी सा नजर आता। उस समय जब रूप गोस्वामी इत्यादि थे तब वहां पर वन था, वहां पर दूर दूर को नजर नहीं आता था। कभी कभी ग्वाले आते थे, गैया चराते थे, तो इस तरीके से परिक्रमा वृंदावन की करते हुए गो माता टीला को ढूंढते हुए रूप गोस्वामी जी ढूंढ रहे हैं कहां है मेरे गोविंद, तुम कहां हो, कहां है गो माता टीला, कहां है। हर किसी से पूछते, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे देश में कई आक्रमण हुए और उन आक्रमणों की वजह से ये ब्रज लुप्त हो चला था। अब तो रोते रोते रूप गोस्वामी जी हरिनाम करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे करते हुए जा रहे हैं और रोते हैं, हे गोविंद गो माता टीला अभी तक मुझे नजर नहीं आया। तभी जैसे ही इतना उन्होंने चिंतन किया एक छोटा सा बालक ग्वाल वेश में प्रकट हुआ और कहा हे बाबा तुम तो बहुत थक चले हो और यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे बैठे हो, क्या बात है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जल लाऊं, कुछ सेवा करूं, चरण दबाऊं।
तो रूप गोस्वामी जी ने उस बालक की ओर देखा। वो बालक इतना मनमोहक, इतना आकर्षित करने वाला, और वो पूछने लगे कि मैं गोमाता पीला को ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई मुझे बताने वाला यहाँ नहीं। हे बालक, मुझे वो मिल जाएगा तो मैं जो व्याकुल हो रहा हूं वो व्याकुल होना मेरा बंद हो जाएगा। तो लाला ने कहा, बाबा बस इतनी सी बात, आओ मैं तुम्हें गोमाता टीला दिखाता हूं। गोमाता टीला को सामने जब देख करके रूप गोस्वामी जी को लेकर के वहां गए और कहा, देखो ये टीला है, मिट्टी का एक टीला था, और उसपे कहा कि यहाँ पर एक गौ जो सुरभि गैया है, वो जब समय होता है दोपहर का, संध्या का समय होता है, तो वो आकर के यहाँ पर चारों थनों से दुग्ध जो है प्रवाहित करती है, और यहाँ पर तुम जो है जाकर के इसको देखना और इसकी खुदाई करना। तो गोमाता टीला को दिखाया लाला ने, और वहां से एकदम से अप्रकट हो गए। रूप गोस्वामी जी ने देखा, सच में सुरभि गैया आई और ऊपर टीला पे चढ़ी और चारों थनों से सुंदर तरीके से दुग्ध को प्रवाहित किया, अभिषिक्त किया पूरे टीले को, और वहां से प्रस्थान कर दिया। रूप गोस्वामी जी का हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, बड़े सुंदर तरीके से नृत्य करने लगे, आसपास के लोगों को बुलाकर, ग्रामवासियों को बुला करके वहां उसकी खुदाई कराई गई, तो उसमें सच में से गोविंद देव प्रकट हो गए। बोलो गोविंद देव महाराज की जय। यदि आप जाएंगे तो वहां आज भी बहुत भव्य मंदिर है, उसकी कई पहले औरंगजेब के समय से पहले, उसे वो बताते हैं कि वो सात माला का था, लेकिन औरंगजेब ने आक्रमण जब किया तो ऊपर की जो मंजिलें उनको तोड़ दिया था, और वहां पर गोविंद देव जी के मंदिर से थोड़ा आगे जाकर के एक हनुमान जी का मंदिर है, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, और हनुमान जो है सिंह का रूप धारण करके जब ये मुगलों की वहां सेना आई थी और इस मंदिर को तोड़ रही थी, तो भगवान का चिंतन कर रहे थे वैष्णव लोग, रोने लगे कि देखो इन दुष्टों को इतना भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कितना नरक में जाएंगे, और वो चिंतन करते हुए कि किसी प्रकार से मंदिर की सुरक्षा हो। तभी हनुमान जी का स्मरण हुआ और हनुमान जी वहां प्रकट हुए और सिंह का रूप धारण करके, वो आज भी वहां पर सिंह का रूप धारण करके हनुमान जी विराजित है। यदि आप देखेंगे तो उनकी गर्जना की, सिंह का गर्जना से सारे मुगल वहां से भागे और मंदिर को वहां पर तोड़ना बंद करके वहां से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भाग खड़े हुए। तो रूप गोस्वामी जी ने ये गोविंद देव जी का वहां पर सुंदर विग्रह प्रकाशित किया। आज आप देखेंगे तो यहाँ पर उनकी एक और प्रतिमा है, जो मूल प्रतिमा है वो श्री जयपुर में विराजमान। ऐसे ही श्री सनातन गोस्वामी जी पाद के मदन गोपाल जी सुंदर विग्रह प्रकाशित हुए हमारी परंपरा में, और श्री चैतन्य महाप्रभु के निजगण श्री अद्वैताचार्य जी जब यहाँ ब्रज में आए तो उन्होंने यहाँ पर आकर के तो अद्वैताचार्य जी ने यहाँ पर आकर के सुंदर तरीके से ब्रज का दर्शन किया। उनको यहाँ पर आकाशवाणी हुई कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनका आविर्भाव हो चुका है और तुम्हें पुनः जो है वो बंगाल मिलेंगे। तो अद्वैताचार्य जी यहाँ से गए। धन्यवाद। वांछा कर्तव्य कृपा सिंधु पति तना पावन वैष्णव। बलसे वृंदावन बिहारी लाल की। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् हरे कृष्ण। हाँ देखो ये जो बच्चा बोल रहा है ना, साधारण लोगों का भावना क्या है, ये सब बाबा कौन बन जाते हैं, भले जिनको कोई पैसा कोई कमाने भमाने का कोई उपाय नहीं है और कोई काम करके पैसा नहीं कमा रहे, वही लोग गले में तिलक कंठी लगा करके सब भगवान की भक्ति करते हैं। साधारण लोगों का इस भावना है, इसो अनपढ़ लोग है। तुम क्या पढ़े हो रहा, बोलो? इंजीनियरिंग का। हाँ ये एक सफ्टवेयर इंजीनियर है, इसका 1,00,000 रुपया तनख्वाह था। कौन सा ऑफिस में काम करता था? अडोब में काम करता था। ये अडोब में काम करता था, उसको 1,00,000 रुपया इसका तनख्वाह दिया, लेकिन उसने सब छोड़ करके
हैं, ये छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि जो असली आनंद है ना वो प्रभु का प्रेम में ही, प्रभु का भक्ति में ही असली आनंद है। इसलिए हम जीवन में सबके सब क्या ढूंढते हैं, जीवन में आनंद कैसे मिले, हमें आनंद कैसे मिले, सुख कैसे मिले, इसलिए तो हम ढूंढते हैं ना। इसलिए ये वेदांत सूत्र का ये पहला सूत्र है, कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है। इसमें तीन वार है, कितना वार है इसमें, अथह अतः और ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें तीन वार है। अतः मतलब होता है हम सबके सब आनंद ढूंढ रहे, आनंद ढूंढ रहे, लेकिन अतः मतलब होता है जहाँ ढूंढने चाहिए हम वहां नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर आनंद ढूंढते हैं। उदाहरण दिया, जैसे एक माता जी एक रोड रोड में एक घंटे से कोई चीज को ढूंढ रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा, माता जी तू क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरी कोई सुई खो गया है। बोले ये सुई कहाँ खो गया? बोले अंदर में। बोले ये रोड में क्यों ढूंढ रहे हो? कहाँ सुई खोई तुम्हारी? घर के अंदर में खोई, लेकिन तुमको घर में ढूंढनी चाहिए ना, तो ये रोड में क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, इसमें मतलब है, कहते जीवन में तो हम आनंद ढूंढते हैं, लेकिन आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? इसी संसार में। कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये संसार में। लेकिन जिसने ये संसार बनाया ना, वो खुद कहता है ये संसार दुख का घर है। ये शरीर में संसार में देखना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई मन से दुखी। किसको पूछ लो कैसे हो, ठीक ठाक हो? ऊपर से तो बोल देंगे, चुपचाप बैठो, ऊपर से तो बोल देंगे हम ठीक ठाक है, लेकिन मुंडी हिलाएंगे ठीक है, लेकिन अंदर की बात पूछो किसको, ठीक हो गया? कोई बोल सकता है हम ठीक संसार में? जब अंदर की बात सुनेंगे ना, खुद भी दुखी हो जाओगे। एक व्यक्ति की संसार के अंदर की बात सुनेंगे तो खूब दुखी हो जाओगे, क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाया, खुद कहता है गीता में, दुखा लयम असा सत्वम, ये दुखा घर है। ये संसार में सब अनित्य है, संसार में कोई चीज संसार में नित्य नहीं। एक दिन आपको सब चीज छोड़ना पड़ेगा इस संसार में, लेकिन हमारे मन में एक क्या भावना बैठा हुआ, शायद हम सुखी हो जाएंगे, बात मत करो माता है, लेकिन हमारे मन में एक शंका क्या बैठा है, शायद ज्यादा पैसा अगर संसार में कमा लेंगे ना सुखी हो जाएंगे। आप लोगों ने रावण का नाम सुने हो? कौन कौन रावण का नाम सुने? हाथ उठाओ तो, हाथ उठाओ। आपको पता है उसके पास में कितना धन था? कहते जिनकी लंका ही सोने की थी। आपको पास में कितना सोना होगा? 10 किलो होगा, 5 किलो होगा, 2 किलो होगा, लेकिन उसको पूरा लंका ही सोना ही सोना ही लंका है। उसका डाइनिंग रूम सोना, बाथरूम सोना, उसकी किचन सोना, सब सोना ही सोना है, उसका लंका ही पूरा सोना है। हम सोचते हैं कि अच्छी छोरी से शादी हो जाएगी ना, सुंदरी से, शायद सुखी हो जाएगी। आपको पता है रावण का पत्नी का क्या नाम था? कौन बोला है, हाथ उठा। हाँ, मंदोदरी का मतलब आपको पता है? मंदा मतलब होता है मंद, पतली। उदर मतलब होता है कमर, जिसकी कमर बहुत ही सुंदर थी, बहुत पतली थी। ये विश्वकर्मा की बेटी थी। विश्वकर्मा ने जगत का जितने सारे सुंदरता देकर अपना बेटी को उसने शादी की थी। आप लोग रामायण सुने होंगे, जब हनुमान जी लंका में पहुंचा माता सीता को ढूंढने के लिए, उसने तो मंदोदरी को देखकर भ्रमित हो गए। बोले यही क्या माँ सती सीता है? ये क्या लक्ष्मी, मतलब इतने सुंदर ये मंदोदरी थी। उसको पास में एक स्त्री नहीं थी, उसको जहां से सुंदर स्त्रियां मिली ना, स्वर्ग से मोहलोक में, जहां जहां पर उसको मिली, वो पकड़ पकड़ करके अपना घर में उसको पत्नी बनाई थी, इतनी सुंदरी से सुंदरी। तभी उसकी काम तृप्त नहीं हुआ, फिर सीता को उठाकर ले गई। इतने सुंदर उसके घर में पत्नियां थी। फिर सोचते हैं शायद कोई अच्छे छोरा हो जाए ना घर में, बेटा है जाए तो सुखी मिल जाएगा। अब बताओ तो रावण का बेटा का क्या नाम था? कौन बोलेगा? मेघनाथ। माता जी बड़े पंडित थे, अक्षय कुमार। कितने उसकी, कहते 1,25,000 नाती, 1,00,000 उनके पुत्र थे, एक से एक बलवान। लेकिन शंकर जी स्वयं कहते हैं, शंकर जी रावण स्वयं कहते हैं शंकर जी को, कदा सुखी भवामि अहम्। हे भोले बाबा, जीवन में कभी मेरे को कब सुख मिलेगा? मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ संसार में, मैं सुखी नहीं हूँ। रावण जैसे व्यक्ति को, क्योंकि क्यों सुखी नहीं था?
उसके बाद में इतने पैसा था उसके पास में, इतने सुंदरी से एक एक स्त्री, 1.25 लाख नाती, 1 लाख जिसकी संतान थे। अभी प्रश्न होता है फिर सुखी क्यों नहीं था? उसको पास में तो जगत का कोई वैभव कोई कमी नहीं थी, फिर सुखी क्यों नहीं था? कारण है, जहां सुख उसे ढूंढनी चाहिए वहां सुख नहीं ढूंढ करके वो अनित्य वस्तु में, ये संसार में सुख ढूंढ रहा था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान राम से विमुख होकर के अभी तक जगत में किसको सुख मिला ही नहीं। इसलिए गोस्वामी जी सात उदाहरण दिया है। कितना उदाहरण दिया है, क्या क्या उदाहरण दिया, देखो क्या कहते हैं। कहते बारी मथे है घृत, कहते अगर कोई पानी को मंथन करे, आप बताओ पानी को मंथन से घी निकलेगा कि नहीं? बोलो निकलेगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते भले ही अगर कोई बोले हम पानी को मंथन करते करते घी निकाल दिया, गोस्वामी जी कहते मैं इस चीज को मान सकता हूँ। अगर कोई बोले रेती को पीस पीस करके तेल निकाल दिया, बताओ रेती को पीसने से तेल निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। कहते भले ही कोई अगर बोले तेल को पीसते पीसते मैंने ये बाल रेती को पीसते पीसते मैं तेल निकाल दिया, मैं ये मान सकता हूँ। कहते अगर कोई बोले आकाश में फूल खिलता है, आकाश में कहीं फूल खिले देखे आप लोग? नहीं। बोले इसको भी मैं कभी मान सकता हूँ। अगर कोई बोले कछुआ के पीठ के ऊपर में बाल आ गया है, कछुआ के पीठ के ऊपर में बाल उठता है? नहीं। अगर कोई बोले बर्फ के ऊपर में आग जल रहा है, बर्फ के ऊपर कभी आग जलता है? नहीं। इसलिए कोई बोले बांज का बेटा हो गया, बांज का कभी बेटा होता है? नहीं। इसलिए उन्होंने ये सात उदाहरण देकर गोस्वामी जी कहते हैं ये जो असंभव है ये कभी संभव हो सकता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई जगत में बोले हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते हैं, हम सुखी है, गोस्वामी जी कहते मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ, कभी मान नहीं सकता हूँ, तो बगैर भजन के तुम सुखी हो। रावण जैसे व्यक्ति को सुख शांति नहीं मिला, सिकंदर जैसे व्यक्ति उसको शांति सुख नहीं मिला, बिलगेट जैसे व्यक्ति को इतने डॉलर के मालिक होकर शांति सुख नहीं मिला। इसलिए कहते वो व्यक्ति उतना शांति है और जितने भगवान की भक्ति करे। भगवान गीता में ये चीज समझाते हैं अर्जुन को, भैया राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर जगत में किसी को भी सुख नहीं मिला। इसलिए उस व्यक्ति को उतना ही सुख मिला जो जितने प्रभु का भक्ति में बढ़ाए। जैसे हनुमत लाल जी, नाम सुने हो हनुमान जी को? कौन कौन जानते हैं हनुमान जी को? आप बताओ ये हनुमान जी दिन भर करते हैं क्या? बताओ राम की सेवा। हाँ, राम की सेवा करते हैं और दिन भर रघुपति राघव राजा राम पति तपावन एक यही करते ना हनुमान जी, ये करते ना सीताराम का नाम लेते हैं। शंकर जी का नाम सुने हो? कौन कौन शंकर जी का नाम जानते हो? देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले महामंत्र जय जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा, शंकर जी पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। शंकर जी हर समय प्रभु का नाम जप करते हैं। माता देवी का नाम सुने होंगे, उनका 8 हाथ देखना, एक हाथ में देखो माला। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले सहस नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जय संग प्रिय भवानी। शंकर जी पार्वती को इतने क्यों प्रेम करते हैं? कारण है हर समय जो प्रभु का नाम जप करती है। अब गणेश जी का नाम जानते हो? कौन कौन जानते हो? हाथ उठा दो गणेश जी की। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है ना, अग्र पूजा गणेश जी की। आपको पता है क्यों होता है? बोले एक समय 33 करोड़ देवता में मीटिंग हुई, मीटिंग में ये हुई सबसे पूजा किसकी होगी। बोले सबसे पूजा उसकी होगी ये विश्व ब्रह्मांड को, आप टीवी में देखे होंगे विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा लगा करके आ जाएगा। देखो अभी भारत में एक प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना पार्टी है और उसके लिए कितना लड़ाई है, एक कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अभी संपूर्ण देवता में 33 करोड़ देवता में अग्र पूजा किसकी होगी, बोले कितनी बड़ी बात है। बोले जब विश्व ब्रह्मांड को पहले घूम करके आ जाएगा उसकी होगा। इतने में ब्रह्मा जो हंस वाहन में उड़ चले, और कार्तिक का वाहन कौन है? मोर। इसलिए मोर वाहन में उड़ चले, सब अपना अपना वाहन में चल पड़े। लेकिन अभी गणेश कहाँ जाएंगे? गणेश का वाहन कौन है? चूहा। अभी भैया गणेश कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो जैसे तैसे बैठे हुए। इतने में नारद जी बोले भैया क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे ये विश्व ब्रह्मांड को जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा ना उसका पहला पूजा होगी। अभी मैं कहाँ जाऊँ, ये चूहे को लेकर कहाँ जाऊँ? बोले एक काम करो, हरि से बड़ा हरि का नाम है।
प्रभु राम का नाम लिखो, उसका तीन बार परिक्रमा कर लो, क्योंकि भगवान के अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है। वो तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने दिन में परिक्रमा करके आएंगे। तुम्हारे प्रभु का नाम को तुमने परिक्रमा कर लिया ना, तुमको अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को तुमने तीन तीन बार तुमने परिक्रमा कर ली। कितना बार परिक्रमा कर ली? कितना बार कर ली? तीन तीन बार तुम लोगों ने परिक्रमा कर ली। सारे देवता लोग आए, किसने कहा मैंने परिक्रमा करके आया, किसने कहा तेरे से पहले मैं आ गया, किसने कहा तेरे से मैंने, इतने में गणेश जी बोले चुप बैठो, पता नहीं कितने दिनों में तुम लोग एक ब्रह्मांड को परिक्रमा किए, मैं तो अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड को तीन तीन बार परिक्रमा लगाई। अभी इसको सुन करके बड़े लोग ठाल लगा ग्रह से, कहा चूहा बाहर जहाँ के ना बैठा हुआ, आप लोग अनंत करोड़ों ब्रह्मांड का तीन तीन बार परिक्रमा लगाई। तब श्री नारद जी व्याख्या किया, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इन्होंने भगवान का नाम को उसने तीन तीन बार परिक्रमा लगाई, इसलिए अनंत करोड़ों विश्व ब्रह्मांड ठाकुर का नाम को अंदर में गणेश की जयजयकार होगी गणेश जी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। जगत में क्यों गणेश का पहला पूजा होती है? केवल भगवान का नाम, राम के नाम की प्रभाव से जगत में सारा दुनिया में सबसे पहले किसकी होती है? श्री गणेश जी की। अगर हम भी अगर प्रभु का नाम जप करेंगे ना, हमारा नाम भी सारा दुनिया में हमारा नाम भी जयजयकार हो जाएगा है जगत में, हमारी नाम भी जगत में जयजयकार। अब मीरा का नाम सुने हो? मीरा का नाम जानते हो? कौन जानते हो मीरा का नाम? सब दुनिया जानते हो। क्यों उस जगत में इतना पूजा क्यों हो रही है उसकी? क्योंकि उन्होंने गिरधर का नाम लिया है, ठाकुर का नाम लिया। इसलिए एक भजन आप सुने होंगे, कहते राम नाम की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम आवाज आ रही है माताओं को, आवाज आ रही है पीछे तक, किसको किसको आवाज आ रही? हाँ देखो नियम है, जो भगवान का कीर्तन हो ना पीछे सब ताली बजाते हुए कीर्तन करनी चाहिए। क्या करते हुए ताली कीर्तन करनी चाहिए? ताली बजाते हुए। देखो एक संत दूसरे संत को बोले भैया कहीं भी अगर ठाकुर का सत्संग हो ना, दुनिया कहते क्या करो? ताली बजाओ। क्या करो? तो उन्होंने पूछा भैया ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने से क्या होता है? एक संत ने कहा देखो जब कोई व्यक्ति ताली बजाते है ना, उसका पाप तो उड़ जाती है। बोले उड़ करके बैठते तो कहाँ बैठती है? बोले जो भगवान का नाम जप नहीं, जो ताली नहीं बजाते हैं, कहते उसको सर पर जाकर बैठ जाती है। इसलिए जब सत्संग हो ना, क्या करो? भगवान की कथा में ताली बजा। देखो ये जो भक्ति है ना, ये एक साइंस है। क्या है? साइंस। साधारण लोगों का धारणा है अरे भगवान का नाम जप करने से क्या होता है, है भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? नहीं, ऋषि मुनियों ने जो जो बात बताई बताए ही, क्योंकि हमारे जितने ऋषि मुनि लोग थे ना, वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। क्या थे? अभी का जो आप लोग साइंस पढ़ते हो देखना, एक साइंटिस्ट आता है वो एक फिलोसफी को बता करके जाता है, दूसरा साइंटिस्ट आकर के फिर उसका फिलोसफी को काट देता है। इसलिए देखना बच्चों का कभी कभी ये पुस्तक बदलती है। बोले क्यों? एक साइंटिस्ट ने ये बताया, दूसरे साइंटिस्ट आकर के उसका सारे फिलोसफी को काट कर चला गया। इसलिए कभी कभी बच्चों का पुस्तक बदलती है। लेकिन आप ये बताओ जो रामायण है, रामायण का कोई श्लोक अभी बदला है? बोलो रामचरितमानस का कोई एक श्लोक बदला है? गीता का अभी तक कोई श्लोक गीता के किसी ने बदलवाया है? भागवत का कोई श्लोक अभी तक बदला है क्या? बोलो आप, कोई बदला है? नहीं।
लेकिन इस जगत में जितने साइंटिस्ट ही है उनका सारे फिलोसफी एक साइंटिस्ट ही आकर के दूसरे साइंटिस्ट का उसको थ्योरी को काट करके चले जाता है। लेकिन अभी तक गीता भागवत का कोई भी एक श्लोक अभी तक कभी बदलाव हुआ आप कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमारे जितने ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े ये लोग साइंटिस्ट ये लोग थे। अभी प्रश्न है, अरे हम लोग ये कीर्तन में जो ताली बजाते हैं कृष्ण कीर्तन में, इसमें क्या साइंस है? ये चीज को समझो, हम कीर्तन में ताली क्यों बजाते हैं? आप लोग नाम सुने होंगे, एक आक्यूप्रेशर नाम सुने हो, एक्यूप्रेशर नाम सुने हो है? ये पहले भारत में था, भारत से पहले चाइना चला गया, अभी चाइनीज लोग ज्यादा उससे लाभ उठाते हैं। अब देखना रामदेव बाबा का योगा आप लोगों देखा, कौन कौन देखा टीवी में रामदेव बाबा का योगा, हाथ उठाओ कौन कौन देखे। इसलिए देखना रामदेव बाबा कहते ना, देखो हाथ का ये पॉइंट से दबाओगे तो तुम्हारी कैंसर सही होगा, हाथ का ये पॉइंट से दबाओगे तो तुम्हारी शुगर सही हो जाएगी, हाथ का ये पॉइंट से दबाओगे तो तुम्हारी हार्ट चलना शुरू हो जाएगा। देखना वो कहते हैं सारे बीमारी हाथ का पॉइंट से सही हो जाता है, है? वो दिखाते ना ये पॉइंट से दबाओ, ये पॉइंट से दबाओ। लेकिन जब आप कीर्तन करोगे, जब ताली बजाओगे, क्या होगा? हाथ का सारे पॉइंट से अपने आप दबती है, अपने आप दबती है ना। इसलिए ताली बजाने पर क्या होगा, सारी बीमारी से मुक्त हो जाओगे, सारी बीमारी से मुक्त हो जाओगे अगर कृष्ण कीर्तन में ताली बजाओगे तो। इसलिए क्या करना, जोर जोर से ताली बजाना। देखो और एक चीज समझो, हम ताली बजाते हैं क्यों? जब संसार में हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हम हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं, बोले भैया थोड़ा हाथ को देखो तो, ये एक दुख बाद में दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ये दुख क्यों दूर नहीं हो रहा है, ये दुख क्यों दूर नहीं हो रहा है? हम जाते हैं ना किसी ज्योतिष को पास में, क्या ज्योतिष तुम्हारी दुख दूर कर देगा? बल्कि उल्टा बुलटा बात बोल करके, ये नगीना लगाओ, ये अंगूठा पहनो, ये करो करके पैसा सारे ऐड लेगा, हाँ सारे पैसा, लेकिन तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता है। लेकिन दूर करेगा तो कौन दुख दूर कर सकता है? ठाकुर कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। इसलिए अगर ठाकुर का कीर्तन में ताली बजाओगे ना, जैसे हम ताली कब बजाते हैं, किसकी स्वागत में, कहते हैं ना ताली बजा कर इनको स्वागत करो, बताओ यहाँ पर किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो? अरे बोलो ठाकुर जी। इसलिए अगर ठाकुर का कीर्तन में ताली बजाओगे ना, तुम्हारी जितने भाग्य रेखा बदला देंगे ठाकुर जी, संसार का सारे दुख को दूर कर देंगे ठाकुर जी, है? और शरीर का जितने तुम्हारी बीमारी है ना, सारी बीमारी तुम्हारी सही हो जाएगी। इसलिए सबके सब कीर्तन को पीछे जोर जोर ताली बजाना। और देखो मेरे तरफ में, जो माताओं का उल्टा हाथ और भाइयों का सीधा हाथ, आपका जानते हो भाग्य रेखा कौन सा? देखो मेरे तरफ में ये जो हाथ है ना, ये जो रेखा बीच का रेखा है, ये जो बीच का रेखा है, ये भाग्य रेखा है। ये रेखा जिसको जितना अच्छा होगा वो उतना ही उसका भाग्य अच्छा है। लेकिन समझ रहे हो, देखो ये रेखा, ये रेखा भाग्य रेखा, आप लोग खुद देख सकते हो, माताओं का उल्टा भाइयों का सीधा। अगर ये रेखा के ऊपर में सारे निर्भर करता है, देख लो अपना हाथ। अब ताली बजाने से पहले देख लो, ताली बजाने के बाद में देखना, आप लोग मानते हो कि नहीं? देखो भगवान का नाम ईश्वर है, जो दिन को रात, रात को जो दिन कर सकते, भाग्य वही बदला सकते, हम अपना भाग्य को नहीं बदला सकते, इस चीज को विश्वास रखो, ठीक है ना? इसलिए ताली खूब जोर जोर से ताली बजाना। बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला। भगवान के नाम को कौन जप कर सकता है? दिली वाला नहीं, कौन जप कर सकता है? दिल वाले। दिल वाला मतलब देखना, ये दुनिया में अगर कोई बेटा शराब पी रहा है ना, बोले वेरी गुड शराब पी रहा है, सिगरेट फूंक रहा है ना, बोले बढ़िया मेरा बेटा सिगरेट फूंकता है। लेकिन ये दुनिया ऐसे की दुनिया है, अगर थोड़ी सी कोई तिलक लगा ले गला में, थोड़ा कंठी
भगवान का नाम जब कल तक बाबा जी बन गए हो क्या, तू साधु बन गए हो हैं? अगर कोई खराब काम करे ना कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जब कोई थोड़ा भगवान का भक्ति भजना करना शुरू कर देता ना, बोले ये कोई तेरा उम्र है, अभी से क्या सब तिलक कंठी माला अभी से क्या धारण कर लिया। लेकिन बेटा अगर शराब पीता है वो बोलेगा नहीं, ये कम उम्र में तू शराब सिगरेट क्यों फूंक रहे हो, बोलेगा कोई? लेकिन अगर तेरा कंठी माला तिलक लगा लो, बोले ये तेरा कोई उम्र है, अभी अभी से क्या तिलक कंठी तुमने धारण कर लिया है, ये तो रिटायर लाइफ में करते हैं, अभी अभी से क्या प्रभु का भजन, तुमने अभी से क्या प्रभु का भजन करना शुरू कर दिया। नहीं, भगवान की जो भक्ति है बचपन से करनी चाहिए। बताओ मीरा कितने उम्र से भजन की, बताओ कितने उम्र से, बचपन से की। और ध्रुव प्रहलाद ने कितने उम्र में भजन किया था, 5 साल उम्र में। हनुमान जी कितने उम्र में राम की भक्त बने, बोलो छोटे से एकदम बचपन से। तुलसीदास जी कितने उम्र में भजन किया, बचपन से भजन किया है। इसलिए भगवान की भक्ति बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापा में नहीं है। बुढ़ापा तो कमर टूट जाएगी, हाथ पैर चलेगा नहीं, पर क्या तीर्थ करोगे, भजन करोगे है, इसलिए जवान बंद हो जाएगी। इसलिए क्या भगवान की भक्ति बचपन से करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जोर से ताली बजाते हो, बोले राम नाम की माला जपेगा हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल श्री राम जी।
महाराज जी के मुखारविंद से आपने काफी अच्छी अच्छी बातें सुन ली। देखो मैं बहुत ही कम समय में आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। संत लोग का किसी के घरों में जाने का क्या काम होता है? उनका कोई उद्देश्य है? आपके यहाँ पर आकर कुछ भिक्षा करने आए हैं या फिर कुछ आपसे पैसे लेने, डोनेशन लेने या किसी काम से आए हैं? भागवतम में बताया गया है कि संत अगर गृहस्थों के घर में जाते हैं तो उनको किस लिए जाते हैं? इस संसार की सच्चाई बताने के लिए। इस संसार की सच्चाई बताने के लिए ही गृहस्थ लोग, संत लोग गृहस्थों के घर में जाते हैं। क्या सच्चाई बताने के लिए? देखो एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक राजा था, एक राजा कहीं अपने राज्य में से निकल रहा था तो वहां पर बहुत ही गरीब व्यक्ति कोयले बेच रहा था। तो उसने उससे पूछा कि तुम इतने गरीब कैसे हो, क्या तुम्हारा काम धंधा ठीक से नहीं चलता? बोले कि नहीं, किसी प्रकार से मैं जीवन पालन करता हूँ, ये बस कोयले बेचता हूँ, इस कोयले बेच के जो आमदनी होती है उसी से मेरा संसार चलता है। तो उस राजा था वो तो उस जगह का, उस राजा ने क्या किया, उसको कहा कि देखो तुम यहाँ से जितने दूर तक खेत देख रहे हो ना, वो खेत मेरा है, वो मेरे खेत है सारे, और इसके अंदर ना चंदन की खेती होती है, तो तुम आज से मैं क्या कर रहा हूँ, ये चंदन की सारी खेती ये तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, ठीक है? तो इससे तुम क्या करोगे, तुम्हारी गरीबी सारी दूर हो जाएगी और आराम से तुम अपना संसार जीवन पालन कर पाओगे, अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाना से लिखाना, पत्नी को और घर में सुख खूब अच्छे से खाना पिलाना। उसने बोले, सुन के तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले राजा जी ने मेरे को उपहार स्वरूप चंदन का खेत दे दिया, ठीक है। राजा जी वहां से चले गए, चले गए उसके बाद में फिर साल भर बाद में राजा जी उसी तरफ से निकल रहे थे, फिर से देखा कि वो आदमी जो वहां पर है वो अभी भी वहीं पे कोयले बेच रहा है और वैसा ही फटीचर होके गरीब, बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति, खाने को जैसे कुछ नहीं मिला हो ऐसी उसकी स्थिति हो रही थी। तो राजा जी ने प्रश्न किया उससे, बोले कि तुम तो वही हो ना जिसको मैंने पूरे चंदन का खेत दिया था? बोले हाँ राजा मैं तो वही हूँ। बोले मैंने तुम्हें पूरे चंदन का खेत दे दिया फिर भी तुम अभी इतने गरीब कैसे हो, क्या करते हो तुम? बोले मैं अभी भी वही कोयला ही बेचता हूँ, जो चंदन की लकड़ी है, चंदन आपने दिया था, चंदन के खेतों को काटता हूँ, उसका कोयला बनाता हूँ और कोयला बना के और बेच देता हूँ। ये सुन के तो राजा को आश्चर्य, इतना आश्चर्य हुआ, बोले कि चंदन की लकड़ी से काट के कोयला बनाता है और कोयला बना के उसको बेचता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे बताओ? ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे ना? सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, वही व्यक्ति जो चंदन की लकड़ी को काट के कोयला बना रहा है कि नहीं? तो संत लोग क्या होते हैं, यही बात को बताने आते हैं कि कहीं हम भी, हमारा मनुष्य जीवन जैसे चंदन की लकड़ी सदृश है, उसको हम सिर्फ कोयला बेच, कोयला कर करके तो हम समय नहीं गंवा रहे। अर्थ क्या हुआ कि हम लोग, ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है, इसको हम केवल खाने में, सोने में, बच्चे पैदा करने में, जो जानवर भी करते हैं उस जानवरों की तरह ही हम लोग समय तो बिता नहीं रहे। एक बार सोच के देखो अंदर ही अंदर, कौन कितना समय भगवान को देता है, कौन कितना समय संसार को देता है? भगवान ने ये हमको मानव जीवन दिया किस लिए, उनका भजन करने के लिए। देखो हम लोग हिंदू परिवार से हैं तो इतना संस्कार तो सबके अंदर होता ही है कि हम ये शरीर नहीं है, ये एक आत्मा है कि नहीं? हमारे अंदर एक आत्मा है, जब व्यक्ति मर जाता है तो शरीर तो यही रह जाता है, शरीर यही रहता है कि नहीं, आत्मा चली जाती है। तो ये संस्कार तो स्वाभाविक रूप में सबके अंदर है ही कि हम एक आत्मा है। पता है, देखो किसी पिंजरे के अंदर कोई तोता हो, अगर कोई पिंजरे को तो बहुत अच्छे से पेंट कर रहा हो, ठीक है, बहुत जैसे ही थोड़ा सा दाग लगे उसको कपड़े से साफ कर दिया, बीच बीच में पेंट भी कर दिया, लेकिन अंदर जो तोता बैठा हुआ है उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, तो क्या तोता जिंदा रहेगा? तोता मर जाएगा। ऐसे ही हमारे ये शरीर जो है, ये शरीर क्या है, ये शरीर एक पिंजरा है, किंतु उसके अंदर कौन बैठा है, वो तोता बैठा है। तोता कौन है, ये आत्मा है, तोता ये आत्मा है। तो इस आत्मा को हमको क्या देना पड़ेगा, भोजन देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, शरीर को भोजन दे रहे हैं, शरीर को बढ़िया खिलाते हैं, हाँ बाहर सब इसको बढ़िया जो भी जरूरत होती है, सर्दी के समय में सर्दी के अनुकूल, गर्मी के समय में गर्मी के अनुकूल, है कि नहीं? जैसी इसकी जरूरत होती है वैसे ही शरीर की सेवा करते हैं, अर्थात पिंजरे को बढ़िया पेंटिंग डेंटिंग चल रही है, लेकिन अंदर जो तोता है उसके लिए कुछ नहीं चल रहा। और जब तक इस तोते को खुराक नहीं दोगे तब तक सुखी भी नहीं रह सकते। आप खुद सोच के देख लो कौन, क्योंकि आज के समय पे देखो लोगों के पास अथाह संपत्ति भी है, पहले के लोग कैसे होते थे, थोड़े से में ही संतुष्ट कर लेते थे। हरे कृष्णा हरि बोल। तो पहले के लोग क्या करते थे, थोड़े से में ही संतोष कर लेते, अगर पैसा कम भी हो तभी भी कैसे न कैसे अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे, लेकिन मन से बड़े ही प्रसन्न रहते थे।
बहुत ही खुश रहते थे। लेकिन आज के समय पे लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है लेकिन फिर भी सुखी नहीं रह पा रहे, मन के अंदर दुख है। सब अपने अंदर, सब अपनी अपनी स्थिति सब जानते हैं। किसी कोई गुर्दे बना रहे थे ना, कैसे कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पड़ोसी से, कोई बहू से, कोई बेटे से। बस लोगों के पास, हमारे गुर्दे के पास में ना अनेक अनेक लोग आते हैं, बोलते हैं बोले बाबा हमारे बच्चे ना, हमारे संस्कार नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। कोई शराब पीता है, कोई दोस्तों के साथ में तफरा तफरी करता है, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? हमको जो उनको संस्कार देना था, जो भजन के माध्यम से, पैसा वो चीज नहीं दे सकती। हम बच्चों को पैसों से सुख सुविधा दे सकते हैं लेकिन संस्कार, संस्कार कहाँ से आते हैं? यही जो हमारे शास्त्रों की बातें हैं उनको पालन करने से आते हैं। जब हम खुद उस चीज को पालन करेंगे तो बच्चे देखेंगे कि हमारे पिता माता पिता कर क्या रहे हैं, हमारे माता पिता जैसा कर रहे हैं उसी के अनुरूप वो लोग लेंगे, है कि नहीं? तो इस बात को समझने की कोशिश करो। संतों का गृहस्थों के घर में आगमन सिर्फ इसी उद्देश्य से होता है कि जानो सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, उसको बताने के लिए ही ये आपके घर में आते हैं। महाराज ने बड़े सुंदर रूप में बताया कि भगवान का नाम लेने से ही भव सागर से पार हो जाओगे। हाँ, जो दिल वाले होंगे, ये बहुत इफेक्ट बात है। देखो हम तो सब जगह घूमते हैं गुरुदेव के साथ में, लोग अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, मोबाइल सॉफ्ट जो स्मार्टफोन्स के अंदर देख देख के दुनिया जहान की चीजें देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, दूसरी तीसरी सब चीजें करते हैं, लेकिन परमार्थ से कितना संबंध है? माता पिता को सम्मान नहीं करते, हाँ माता पिता की कोई वैल्यू नहीं देते। बोले तुम क्या पढ़े लिखे हो, हम लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, हाँ हम लोग इतना एजुकेटेड हो गए, हमको सब पता है, हमको मत सिखाओ। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, क्यों? क्योंकि संस्कार की कमी है। संस्कार किससे आता है? परमार्थ से आता है। जब तक हम परमार्थ से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम भगवान के नाम से नहीं जुड़ेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये चीज नहीं आती। इसी वजह से एक सिंपल सा सोल्यूशन महाराज ने बताया, एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया है भगवान की सेवा करने का, भगवत प्राप्ति का, वो है भगवान का नाम करना है। एक कलयुग के अंदर सबसे साधन, सबसे सिंपल साधन बताया गया है भगवान का नाम। इस भगवान का नाम करने से ही आप भवसागर से पार हो सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। दूसरा माइक कहाँ गया? बहुत ऊपर का था। हरे कृष्णा। हरि बोल। देखो ये छोटे छोटे बच्चों को हम खड़े करते हैं, इनको कल तो भैया तुम लोग भी भगवान की कथा सुनाओ, इसलिए ये बच्चों को हम खड़े करते हैं। जैसे आप लोगों को देखे भैया, ये छोटे छोटे बच्चे भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसे नहीं केवल भगवान की भक्ति, जो बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति हम करें, है इसलिए हम ये सब बच्चों को खड़े करते हैं, ये भी आप लोगों को कथा सुनाते हैं। देखो ये बच्चों को पूछो तुमने क्या पढ़ाई किया, सुन लो तुमने क्या पढ़ाई किया था। हरे कृष्णा। मैंने हरियाणा के सेकंड टॉप मोस्ट कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है और पूरे डिपार्टमेंट में मैं सेकंड रैंकर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और ट्रू वैल्यू सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में मैंने जॉब भी किया है एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म पूज्यपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतभक्ति वेदांत श्रील श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणिपात करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर जय युक्त हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को, यहाँ पर उपस्थित समस्त माताओं को मैं बार 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 प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज आप लोगों का बहुत सौभाग्य का दिन है क्योंकि आप लोगों के घर जो है वो संत पधारे हैं और जहाँ संत, जहाँ भगवान अतिशय कृपा करते हैं तब भगवान संत को, संत के दर्शन हमें तभी होते हैं जब प्रभु अतिशय कृपा करते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी होए। संत समागम, संतों का समागम और संतों का दर्शन, हरि की कथा, श्री भगवान की कथा, और ये सब चीजें दुर्लभ हैं बहुत, है ना? तो इसके कारण
आज गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं आप लोगों को कुछ तुलसी और तिलक की महिमा समझाऊं। अब आप थोड़ी देर के लिए बहुत शांति से और बहुत सावधान होकर के बैठ जाइए। देखो, हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने मस्तक पर धारण किया है ये तिलक है, और गले में जो है ये कंठी है। हम लोग इसको क्यों धारण किए हुए हैं बताइए? हम लोगों ने इसको धारण किया, इसके इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम लोगों ने तिलक और कंठी क्यों धारण किया है? देखो, सबसे पहले मैं आपको इससे इसके जो लाभ हैं उनसे अवगत करा दूं। तिलक क्यों धारण करना चाहिए, कंठी क्यों धारण करनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि हम लोग आके ये सब चीजें बोल करके अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर हम लोग ये सब बेचते हैं कि आप हम लोगों से लो और तब हम लोग आपको दें और हम लोग इससे पैसा कमाएं। ये सब ऐसा नहीं है। आप लोग इसके फायदे सुनिए। देखिए, सबसे पहले हम तुलसी की बात करते हैं। ये तुलसी जो है इसको धारण करने से क्या लाभ होता है? पद्म पुराण का श्लोक है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्व तीर्थेषु स्नानं भवनिदितेन न संशया। जब हम लोग स्नान करते हैं तो स्नान के समय कंठ में यदि तुलसी है और ऊपर जल डालते हैं, और जल डालते हुए जब ऊपर से पानी जल नीचे गिरता है और पूरे शरीर तक जल जाता है तुलसी को छू करके, तो भारत में जितनी पवित्र नदियां हैं उन सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है तुलसी के धारण करने से। और जब हमारे गले में कंठी है, ठीक है, और हमने अन्न खाया या प्रसाद पाया हमने, और जैसे ही प्रसाद पाया कंठ में प्रसाद पहुंचा और तुलसी का स्पर्श हुआ, तो वेद कहता है सिक्ते सिक्ते तू लभते बाजु में दी फलम मुने, एक एक अन्न के दाने पर सौ सौ अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है तुलसी धारण करने से ही, केवल और केवल, क्योंकि ये कल्याणी है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित वाले गुलई विप्रत दृष्ट केन प्रियच्युता। ये तुलसी कल्याणी है। देखिए, ये तो हो गए पुराण से इसके। अब दूसरी बात, अब आप इसके देखिए कि मेडिकल से ये कैसे, जो तुलसी है इसके और क्या क्या फायदे हैं। अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, जैसे हमारे जो सेल फोन्स होते हैं, मोबाइल होते हैं, आपने सुना होगा कि कई कई बार लोग मैसेज करते हैं कि इसके अंदर से इतनी हानिकारक किरणें निकलती हैं इस फोन से कि हमारे मस्तिष्क के लिए ये खतरनाक है ना। ये जो फोन के जो रेज हैं ये बहुत खतरनाक हैं। तो अभी अभी ये बात का ये अभी अभी ये डिस्कवर हुई है, ये बात ये प्रूव हुई है कि यदि हम अपना फोन जो है, फोन के हम लोग कवर के पीछे, ये जो फोन का कवर है इसके पीछे अगर हम तुलसी के कुछ दल रख लें, तुलसी के कुछ पत्ते रख लें, तो वो जो खतरनाक किरणें हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये तुलसी इसके पीछे रखने से फोन के, ये हमें तुलसी जो है कभी भी हार्म नहीं कर सकती, कभी भी हम लोगों को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती ये किरणें। इसलिए तुलसी के अनेक फायदे हैं। और क्या फायदे हैं? हमारे जो पेट में जो एसिड होता है, कहते हैं ना कई कई बार हमारे पेट में ज्यादा एसिड बन जाते हैं, कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, हमें एसिडिटी हो गई। हमारे पेट का एसिड इतना खतरनाक है कि स्टील को भी पिघला सकता है। जो हमारे पेट में एसिड है वो स्टील तक को भी पिघला सकता है अगर वो कंसंट्रेटेड होकर के निकल गया तो। इसलिए कितनी भयंकर पीड़ा होती है जब हमें एसिड होता है। वो एसिड को कंट्रोल कौन करता है? तुलसी यदि आपके पास है कंठी के रूप में अथवा तुलसी पत्र के रूप में, तो उसके अंदर एक फ्रिक्योक्स नाम का पदार्थ होता है। वो जब रिएक्ट करता है बॉडी से तो आपका वात कफ पित्त, देखिए हमें कोई भी बीमारी कब होती है? जब हमारी ये तीन चीज बिगड़ते हैं, वात कफ और पित्त, ये तीनों बिगड़ते हैं तब हमें कोई बीमारी होती है। इन तीनों को रेगुलर, इन तीनों को नियम संयम इन पे कौन कर सकता है? तुलसी कर सकती है। इसीलिए तुलसी के अनेक 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 कारण है पहनने के। ये कोई यू नहीं है कि ये फैशनेबल है। आप कोटि कोटि कोहिनूर हीरे, कोहिनूर हीरा मैंने तो देखा नहीं होगा, आपने देखा हो तो पता नहीं, लेकिन आप कोहिनूर के हार पहन लो तो भी कल्याण नहीं संभव, लेकिन तुलसी पहन लोगे ना तो कल्याण की पक्की गारंटी श्री भगवान लेते हैं। इस कारण से तुलसी जो है वो अवश्य धारण कीजिए। और अब आती है बात तिलक की।
हम लोग ये जो तिलक धारण करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको उर्ध्वपुंड कहते हैं, उर्ध्वपुंड। ये जो हम लोगों ने तिलक धारण, कितने सुंदर लग रहे हैं हम, देखो तिलक लगा के। ये तो बहुत बुरी शक्ल है हमारी, तिलक लगा रखा है हम लोगों ने। ये तिलक हम लोग क्यों धारण करते हैं देखो, इसको उर्ध्वपुंड कहते हैं। नीचे से ऊपर की ओर जो हुआ है उसको कहते हैं उर्ध्वपुंड। ये उर्ध्वपुंड लगाने से क्या फायदा है देखो, देखो यदि उर्ध्वपुंड हमारे मस्तक पे है, ऊर्ध्वं नयति यत् पुण्ड्रं प्राणिनं पापकारिणं तस्याख्यं ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद्धारे ध्वजा। पद्म पुराण कहता है पापी से पापी मनुष्य भी अगर मृत्यु के समय यह ऊर्ध्वपुंड धारण किए हुए तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो सीधा भगवान के पास जाएगा केवल ऊर्ध्वपुंड लगाने से। ऊर्ध्वपुंड्र धर्योर मृत्योर स्मृयते यत्र कुत्रचित स्वपाको अपि विमानस्वं ममलोके महीयते। अगर मान लो जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं, ऐसी खबर भी आई है, न्यूज भी आपने सुनी होगी कि चलते 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 हमारी मौत हो गई। जैसे हो जाता है ना कि चलते चलते उस व्यक्ति की मौत हो गई अचानक से, होता है ना ऐसे। तो समय का और मृत्यु के स्थान का तो हमें पता नहीं कब चले जाएं, लेकिन कहीं भी अगर अचानक से भी किसी की मृत्यु हो गई और अगर मस्तक पर तिलक है तो पक्की की पक्की गारंटी है उसकी दुर्गति नहीं होगी, वो भगवान के पास सीधा जाएगा। इस कारण से ये तिलक और जो तुलसी है ये साधारण नहीं, इसको साधारण नहीं समझो, ये भगवान का ही स्वरूप है। जैसे हम लोग भोग कोई प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद तब तक भगवान ग्रहण नहीं करते जब तक तुलसी का पत्ता उसमें ना हो, और तुलसी के पत्ते के बिना ठाकुर जी खाएंगे नहीं। ऐसे ही वेद कहता है हम लोग ठाकुर जी के भोग हैं, हम लोगों को ग्रहण करेंगे ठाकुर जी, अपनाएंगे। लेकिन आप खुद बताओ, जैसे वहां प्रसाद में, जैसे वहां भोग में तुलसी नहीं है, ठाकुर जी नहीं ले रहे, तो हमें ठाकुर जी लेंगे क्या, अपनाएंगे क्या? जब तक कंठी ना होगी हमारे पास, ये कंठी नहीं है तो समझो हम भगवान से अत्यधिक दूर हैं, लेकिन ये कंठी है तो ठाकुर जी के पास है। इसलिए वेद कहता है अन्नो हम अन्ना दस्तम, इसलिए ये कंठी और तिलक है। देखिए तिलक और कंठी यदि रहती है तो ठाकुर जी पक्का पक्का रक्षा करते हैं। सबते बड़ी तिलक और माला सदा सहाय रहे गोपाला, दूब साटी जो संत ही मारे ताको चक्र सुदर्शन जारे। जिसके गले में कंठी होती है भगवान स्वयं रक्षा करते हैं उसकी। ये जो तिलक देख रहे हो ना, ये जो तिलक, आप खुद सोचो ये तिलक लगाने का और कारण क्या हो सकता है। जब ये तिलक सुशोभित होता है ना मस्तक पे, तो यत्र मस्तके तिलक सशोभित इति खीते श्री हरि मंदिरे। जब मस्तक पर तिलक सुशोभित होता है तो वो हरि का मंदिर बन जाता है। और आप खुद सोचो, अगर हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और घर से बाहर निकलते ही हम लोगों ने मान लो कोई ऐसे खराब सा कोई दृश्य देख लिया, तो क्या कहते हैं हम लोग, ओहो कितना बुरा दिन निकलेगा हमारा, कितना बुरा दिन निकलेगा। लेकिन आप खुद सोचो, अगर मान लो हम निकलते हैं तो किसी वैष्णव के मस्तक पर तिलक दिख गया, तो हरि मंदिर दिख गया, तो कितना शुभ हमारे लिए दिन होता है। इस कारण से ये तिलक बहुत जरूरी है। जैसे एक जो सुहागन होती है, जैसे कोई पति नई नई वधू है जिसकी शादी हुई है या कोई भी लगा लो, जब वो किसी बाहर जाती है तो उसके मस्तक पर क्या होता है, बिंदी। मांग में क्या होता है उसके, सिंदूर होता है। गले में क्या होता है, मंगलसूत्र होता है। जब नई नई बहू जब अपने मस्तक पर ये सब सुशोभित करके जाती है और घर के बाहर थोड़ी दूर जाती है, तो सामने यदि कोई कामी व्यक्ति भी खड़ा होता है तो एक बार उसकी नजर नीचे झुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है कि ये किसी की परिणीता है, इसका पाणि ग्रहण किसी के साथ हो गया है, वेद मंत्रों द्वारा किसी सिद्ध पुरुष ने इसका पाणि ग्रहण इसके पति से करा दिया है, तो उसकी नजर नीचे हो जाती है। ऐसे ही जब हम लोग तिलक और कंठी धारण करके बाहर जाते हैं तो खड़ी हुई सामने गंदी वासना और माया भी एक बार देख करके नजर नीचे कर लेती है कि इस पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये श्री भगवान का है, क्योंकि ये भगवान का है। इस कारण से तिलक और कंठी अवश्य धारण करिए। तिलक और कंठी साक्षात श्री भगवान के चिन्ह हैं और श्री भगवान के चिन्ह मंगल ही मंगल करेंगे।
बस इन्हीं सब शब्दों के साथ वांछा कल पत्र कृपा सिंधु पतिता नाम हरी बोल हरी हाँ, एक मिनट कीर्तन कर दो बाबा थोड़ी सी कथा सुनाए मेरे साथ में हाथ में हरी बोल हाथ ताली बजाते हुए ठाकुर का थोड़ा कीर्तन करना ठीक है ना। ताली बजाने का मैंने बहिया बताया ना क्या होगा ताली बजाने से सारी बीमारी सही हो जाएगा तुम्हारी भाग्य रेखा भी बदली जाएगी। जोर जोर से बजाना बोले गोविंद जय जय गोपाल बहुत माता है। अब बताओ कौन जाना चाहते हैं हम सबके ले जाइए हाथ उठाओ कौन जाना चाहते हैं। यहाँ के भक्त लोग बड़े अच्छे हैं सब वृंदावन जाना चाहते हैं अच्छी बात है। हाँ देखना वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं इसलिए अब लोग सबके सब श्री राधा रानी का नाम बोलना ठीक है। बोले वृंदावन में राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं कहते ना राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी सब आप जानते हो सब पंडित लगता है इसलिए राधा रानी का नाम लेते ही सही हमारे बांध के बिहारी अपने आप पीछे पीछे दौड़ते हैं इसलिए मैं बोलूंगा वृंदावन में अब क्या बोलोगे बोले वृंदावन में ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम
अस्मदीय गुरुपाद पद्म उपस्थित मंचासन मध्य गुरुदेव श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज जी का वह चरणारविंद में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हैं, उनके हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित मेरठ के आप सभी भक्त वैष्णव वैष्णवी यहाँ पे उपस्थित गुरु भक्त गुरु भक्तनी सब पूज्य प्रभुपाद परिकर सभी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, उनके हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। अभी गुरु जी आपको सबसे पहले जो कथा सुनाए थे, क्या सुनाए थे, जैसे मान लो हम कहीं पे भी कोई काम करते हैं, माता जी थोड़ा इधर सुन लो, इधर थोड़े सुन लो, हाँ ध्यान से दो मिनट बाद सुन लो। तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करने से पीछे उसका एक ही कारण एक ही उद्देश्य होता है। जैसे हम यहाँ पे आए, क्यों आए भैया, वहां पे चलो थोड़ा सा धूप भी मिल जाएगी और साथ ही साथ हमारा क्या होगा, कथा भी सुनना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लाभ है, कहीं ना कहीं आनंद ढूंढने के लिए हम आए। एक बात बताओ, आप जो सुख ढूंढ रहे हो, कोई भी काम करते हो सुख जो ढूंढते हो, बताओ आपको दिन में सुख चाहिए या रात को सुख चाहिए, आप मेरे को उत्तर बताओ, बताओ आप लोग, बोलो, दिन में सुख चाहिए आनंद चाहिए या रात को चाहिए, दोनों टाइम चाहिए। अच्छा बताओ आपको घर में सुख चाहिए या बाहर में सुख चाहिए, सब जगह चाहिए। अच्छा आप बोलो, अगर मैं आपको पूछूं कि आपको घर वालों से सुख चाहिए या बाहर वालों से सुख चाहिए, हाँ सभी से सुख चाहिए। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ सुख जो है, एक बात बताओ, मान लो आपको कोई एक वस्तु की बात मैं बताया, यानी कि धन से आपको सुख मिल रहा है, तभी तो हम धन के पीछे इतना भागते हैं, चोरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जरूरत पड़ने पर। अगर मान लो धन से सुख है, तो धन क्या हमें कभी कभार दिन में हमें मिलता है रात में नहीं मिलता, तो क्या धन हमें सुख दे सकता है? चलो मान लिया दिन में भी मिल गया रात में भी मिल गया, किसी किसी दिन घर में मिलते है बाहर नहीं मिलता, या बाहर मिलता हो तो घर में नहीं मिलता है, तो ये नहीं है। आजकल तो क्या है, एटीएम कार्ड का जमाना है, तो पास में तो पैसा रहता नहीं, एटीएम कार्ड लेके घूमते हैं, और जब कहीं एटीएम मशीन पे जाए और स्वाइप किया और देखा कि वहां पे पैसा नहीं, या तो फिर मान लो कि हमारा पासवर्ड ब्लॉक हो गया है, कुछ और दिक्कतें हैं, तो क्या धन हमारे साथ हर समय रह सकता है? यानी कि घर बाहर दिन रात घर वालों बाहर वालों हर प्रकार से अगर कोई कहीं है तो वो भगवान है। यानी कि अगर हमें हर समय कोई हर स्थिति में कोई हर व्यक्ति से कोई सुख दे सकता है तो कौन दे सकता है, भगवान दे सकता है ना। इसीलिए इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे याद रखना, इसको ध्यान देकर के पहले सुनो ना, और इससे मैं बाद में फिर आपको प्रश्न करूंगा, जो मैं अभी बताऊंगा ना उससे प्रश्न करूंगा सवाल करूंगा, तो आपको उसके उत्तर भी देनी पड़ेगी, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। एक राज्य में एक राजा था, बड़ा अच्छा राजा था, उसने अपना जो है पार्षद परिकरों को खूब संतुष्ट किया हुआ था, उसके पास चार चार रानियां भी थे। सबसे जो बड़ी रानी थी वो रानी राजा को बहुत खुश रखता था, मतलब राजा को कोई चीज की, राजा को अगर मांग लेना वो बड़ी रानी कि मेरे को इस समय गाड़ी चाहिए, राजा तुरंत गाड़ी ला दे। राजा को अगर रानी बोलते कि मेरे को अभी तुम यहाँ पे ले जाओ वहां पे ले जाओ, तो एकदम राजा तैयार ले जाता राजा उसको गाड़ी में या कहीं पे भी जाना होता है, तो मतलब जो जो मांगे वो हर समय राजा तैयार बैठा है, मेरी पत्नी कभी कोई चीज मांग ले एकदम से मैं उसको देने के लिए तैयार। तो पहली रानी जो है राजा को कुछ भी मांगे राजा एकदम से देने के लिए तैयार हो जाता है। अब बारी आई दूसरी रानी की, दूसरी रानी दिखने में त्रिलोक सुंदरी है, राजा हमेशा देखता है कि भैया अगर मेरी इतनी सुंदर रानी है तो उसको घर में सजा के रखने में क्या लाभ है। तो राजा कहीं पे भी रथ में जाता था हर समय अपने जो दूसरी रानी है ना जो देखने में सुंदर है अपने साथ उसको रखता था। किसी राज्य में गया, किसी न्योताया कहीं पे गया, राजा को अगर कहीं मतलब छोटे से लेकर बड़े जगह कहीं पे भी जाना हो राजा अपने साथ में दूसरी पत्नी को रखता था। क्यों भैया, देखने में सुंदर है, सब लोग देखेंगे तो वाह वाह करेंगे, भैया राजा कितना भाग्यवान है उसको इतना सुंदर पत्नी मिली। जो तीसरी रानी जो है ना वो हमेशा राजा को रिझाता था, कैसे, बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी मधुर मधुर मीठा मीठा बात करके।
ऐसी सुंदर सुंदर मीठी मीठी वाणी बोलता कि राजा बिल्कुल प्रसन्न हो जाता और उसके लिए भी राजा सब काम करने के लिए तैयार हो जाता। क्यों? वो बड़ा सुंदर मीठा मीठा बोलता है ना। अब बारी आई चौथी रानी की। राजा चौथी रानी को शादी किया। जिस दिन शादी हुआ एक बार उसको पूछा तक भी नहीं कि रानी तू जी है मर गई है, तेरे को कोई चीज की जरूरत है, तेरे को खाना ढंग से सही समय 3 टाइम मिल भी रहा है नहीं रहा, कोई भी वस्तु के लिए कभी राजा उसके पास गया ही नहीं। आज को इतने साल हो गया राजा उसको कभी पूछा तक भी नहीं। अब समय आता है राजा को मरने का। राजा देखता है मेरा मरने का समय आ गया, मेरे पास चार चार रानियां हैं, जरा जा करके पूछूं तो सही मेरे साथ जाने के लिए कौन तैयार है। चार चार रानियां हैं, हर सुख हर दुख में उसके साथ रहे, अंतिम समय जो सुख या दुख में साथ देता है वही तो सुख दुख का साथी है। तो सुख दुख का साथी तो पत्नी है, तो राजा की जो रानियां हैं वो उसके पत्नियां हैं। तो गया बड़े वाले के पास, बड़ी बारी सजा करके राजा पूछा कि रानी तू तो जो भी जब भी जैसे भी मेरे को कोई चीज की प्रार्थना की मैं एकदम से तेरे को ला करके दिया, अब मेरी इस बारी है, मेरा समय आया है जाने के लिए, मैं मेरा और बहुत कम समय रह गया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पता है रानी क्या बोली? बोले कि राजा देख तू कहता है तो मैं केवल तेरे साथ इस शमशान तक जा सकता, इससे आगे मैं नहीं जा सकती तेरे साथ। तो राजा इसको सुन करके राजा को बड़ा सोच में पड़ गया, राजा ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने इसीलिए तो शादी किया था कि मेरे साथ जन्म जन्म के साथ देने के लिए, अब ये क्या, आज जब सुख आया तो मेरे साथ तो सभी रहे पर जब मेरी बारी आया मेरे अकेला मेरे को अकेला छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब दूसरी बारी जब दूसरी रानी के पास आए तो दूसरी रानी कैसी, जो सुंदर थी। ये माता जी ना पूरा अच्छे से कथा सुनती हैं, इनके लिए ताली बजाओ और अपने लिए भी ताली बजाओ कि आगे तुम भी सुनोगे अच्छे से कथा। तो जो दूसरी रानी थी वो देखने में बड़ी सुंदर थी। अब राजा उसके पास आया, बोले कि रानी तुम मेरे साथ चलोगे, मेरा अंतिम समय आया। तो रानी कहती है देख राजा तू कहीं पे भी गया तू तो मेरे को साथ में लेकर के गया है, हर राज्य में मेरे को दिखा रखा है, सब राजाओं ने देख रखा है मैं कितना सुंदर हूँ, और जब तुम मर जाएगा तो तेरे से भी अच्छे अच्छे राजा मेरे को तो ब्याह कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। अब इसको सुन करके राजा क्या बोले उसको, तो जो वो सोच में पड़ गया, हे भगवान मैंने कितना बड़ा गलत रास्ते पे आ गया, मैं तो सोच रहा था मेरे यही रानी कम से कम साथ दे दे, क्योंकि उसको तो मैं हमेशा अपने पास में रखता था, अब इसने ऐसी धोखा दे दी, अब कोई बात नहीं चलो दो और रानियां भी तो है। थोड़ा सा राजा का मनोबल बचा हुआ था तो हिम्मत मार के तीसरी रानी के पास गया। वो पूछा तीसरी रानी कौन थी, मीठा बोलने वाली, वाह। तो अब जैसे राजा आकर के पूछता है, उस समय उसने सोचा कि ये बहुत बढ़िया आज मीठा मीठा मेरे को बोल करके मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी, पर उस दिन उसकी मीठा बोली पता नहीं कहाँ गुम हो गई। उसने बोला कि अरे राजा तू कहता है तो ठीक है, हम तेरे साथ दरवाजे की चौखट तक दहरीज तक चल सकते हैं। बोले बस दहरीज तक चल सकोगे, मतलब घर की ड्राइंग रूम से दहरीज तक ये कोई चलना है? बोले तो कहोगे थोड़ी दूर आगे चल लेंगे, रोड तक चल लेंगे, बस रोड तक चलना है तो ये भी चलना कोई चलना है? बोले बस यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यहीं तक हम तेरे साथ रहे। बोले कोई बात नहीं चलो, तीनों रानी तो हो गए, अब जाने वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा। क्यों, चौथी रानी कौन थी जिससे कभी कोई किसी प्रकार से उसने पूछताछ नहीं करी, अब शादी ब्याह कर चुका है पर पूछताछ नहीं किया, इसलिए हिम्मत नहीं हो रहा। भैया जिनको मैंने समय दिया, जिनको मैंने सब कुछ ला के दिया, जिसको मैं अपने पास में रखा, अगर वे नहीं गए तो ये जिसको मैंने कुछ भी नहीं किया ये कहाँ है। इसलिए फिर भी वो उनके पास गया तो पहले जब रानी ने देखा कि राजा का अंतिम समय आया और राजा अंतिम समय कम से कम मेरे पास आया है, पहले तो रानी ने बहुत खरी खोटी सुना दी, तूने ऐसा किया मेरे साथ, इतना गलत किया, तूने मेरे को कभी पूछा तक भी नहीं कि तेरे पास साड़ी है, तेरे पास कपड़ा है या नहीं, तेरे पास खाने के लिए कुछ है या नहीं, बस जब शादी करके महल के बाहर फेंक रखा है मैं, जब से मैं फिर भी तेरे आंस में जी रही हूँ। तो राजा ने बोला कि अब तो क्षमा कर दे, मैं अब तेरे पास आया, बोले अगर तू अपना क्षमा मांग करके मेरे पास आया है अपना दंभ को छोड़ करके, तो एक काम करना,
अंतिम समय में आया है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर कब? कि आज से तेरे को, क्योंकि तूने तीनों रानी के पीछे सब कुछ दिया, समय दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, वे तो गए नहीं, पर अब मैं अगर क्योंकि जाऊंगी, इसीलिए तेरे को अब से जो टाइम देना पड़ेगा किसको? मेरे लिए टाइम देना पड़ेगा। तो राजा ने बोला कि भैया अगर यही चलने के लिए तैयार है तो मैं सारा समय इसी को ही ना दूं। और राजा उस दिन से उसी को ही समय दिया। अब मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ, जो पहला, दूसरा, तीसरा ये रानी है और ये राजा है, वे कौन कौन है? आप अपने दिमाग से सोच के बताओ कि राजा कौन है, बताओ राजा कौन है? ये आत्मा है ना, जो शरीर के अंदर बैठा हुआ ये आत्मा है, और ये आत्मा की अस्तित्व पे ही इस संसार में सारे काम चल रहे हैं, सारे सगे संबंधी हमारे सगे संबंधी बने हुए हैं। जिस दिन ये, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, पिंजरा ही तो कहते हैं, तो सगे संबंधी कहाँ हुए फिर? तो ये तो खाली पिंजरा है। तो सगे संबंधी बनते कैसे? ये आत्मा की वजह से। तो राजा वो आत्मा है, यानी कि हमारे हृदय में जो आत्मा परमात्मा का जो अंश है वो राजा है। अब राजा की चार चार रानियां, जो केवल तीन रानियां तो सो कॉल्ड रानियां, जो तथाकथित केवल मुंह बोली रानी है, कोई संबंध नहीं है, पर आखिर में जो चौथी रानी, वो किस किस कौन सी रानी है, वो हमें सुनते हैं। पहली रानी जो है ना, कौन है वो, जो सब कुछ ला करके राजा उसके लिए देता, आज जो भी कुछ चाहिए उसको सब कुछ देता। अब बताओ ये कौन है? कहते ये हमारा शरीर है, जो कहां तक जाने वाला, अंतिम समय तक शमशान घाट। कौन है? हमारा शरीर। अब बताओ शरीर जो भी मांगता है हम देते हैं नहीं? ये शॉल क्यों पहनते हैं ठंड में? शरीर कहता है भैया ठंड लग जाएगी, जरा मेरे को उड़ा दे, तो तुरंत हम कोशिश करते हैं, बाजार जाते हैं, अच्छा 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 शॉल खरीदते हैं और उड़ा देते हैं। शरीर कहता है भैया मेरे को आज ये खाने के लिए इच्छा हो रहा है, चल तो चौराहे जाते हैं, गोलगप्पे और टिक्कियां सब मिलता है बढ़िया, और खा जाते हैं, चौमिन मिलता है, बर्गर पिज्जा मोमोज मिलता है, तो हम खाने के लिए जाते हैं। शरीर कहता है भैया ये गाड़ी ले लो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता खाली वो बस में जाना, तो गाड़ी ले लेते हैं, अच्छा 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 गाड़ी लेते हैं, किसके लिए? शरीर के लिए ना, शरीर के लिए ले जाते हैं ना। तो ये शरीर जब जब जो जो चीजें की मतलब मांग की है, ये राजा आत्मा हर समय उसको ला करके दिया, पर गया कहाँ तक? कहाँ तक गया? शमशान घाट तक। सुबह से उठे, ब्रश किस लिए किया था? शरीर के लिए। और फिर उसके बाद हम खाना किस लिए खाए? शरीर के लिए। बाजार गए किस लिए? शरीर के लिए। नौकरी किया किस लिए? शरीर के लिए। वापस शाम को आए, आकर के फिर मॉल गए, शॉपिंग किया किस लिए? शरीर के लिए। रात को सोए किस लिए? शरीर के लिए। सब कुछ शरीर के लिए करते अंत में क्या कर देते हैं? यही शरीर हमें सबसे पहले छोड़ देता है। तो ये शरीर पहली पत्नी जो कभी साथ नहीं जाती। दूसरी बारी जो है वो देखने में बड़ी सुंदर है, इसलिए जो सुंदर है ना चीज, हम उसको हमेशा दिखाते हैं। ये कौन है? ये हमारा धन संपदा है, ये हमारा माल रुपया है। ये माल रुपया के लिए तो सारा चक्कर है, इसलिए अगर मान लो एक मेट्रो में तीन बंदे जा रहे होते हैं ना, पहला बंदा कहता है ये तो मेरा 500 रुपए का जूता है, दूसरा कहता है ये तो मेरा 1000 रुपए का है, तो तीसरा पता है क्या करता है? दूसरा का इतना कमाई नहीं है, तीसरा देखता है ये 500, ये 1000, मेरे को तो 2000 का चाहिए। उसके पास पैसा नहीं होता है, वो अगले दिन कोशिश करता है पर उसको मिलता नहीं, तो वो चोरी करके ले आता है। तो सब कुछ किया किसी लिए? दिखाने के लिए। इसीलिए हम धन मतलब ज्यादातर अक्सर करके धन क्यों कमाते हैं पता है? अपने लिए नहीं है, हम दूसरों को दिखाने के लिए। अब बताओ मान लो इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, आपके अड़ोस पड़ोस 2-2 किलोमीटर तो कोई नहीं है, तो क्या आप बढ़िया सा बढ़िया घर बनाओगे, सबके सामने बढ़िया चकाचक खिलाओगे? नहीं भाई, जैसे तैसे मिल गया, रोटी बोटी खा करके जी जा लेंगे, है या नहीं है? पर अगर हमारे घर के बगल में कोई 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दिया ना, सुनते हो, हमारे को तो तीसरी मंजिल बिल्डिंग बनाना चाहिए। भैया पैसा नहीं है, लोन करो ना, आजकल होम लोन है, कार लोन है, बढ़िया करो। और फिर बंदा पूरा अपना जी जान, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रहलाद महाराज अपने भाइयों को, गुरु भाइयों को बता रहे हैं कि उसके लिए उसने लोन लेता है। आप बड़े बड़े सिटियों में चले जाओ, देखो कितना दिखावा है। पता है क्या करते हैं वे लोग, जब बैठते हैं ना आपस में बात करते हैं, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? भैया इसका स्टैंडर्ड तो 60,000 से नीचे, दूसरे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ।
इसी के लिए वो क्या करते, तुम्हारे पास कितने बीएचके का फ्लैट है? 2 BHK का, 3 BHK का नहीं है, तो 2 BHK वाले उधर बैठ जाओ, तो वो जी जान लगा देते हैं बैंगलोर दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटियों में क्या करने के लिए, 3 BHK। अब पैसा है नहीं तो लोन ले लेते हैं, अपने लिए नहीं दूसरों को दिखाने के लिए। सोना कंगन नेकलेस आप लोग जेवर वगैरह पहनते हो, जब पहनते हो तो कैसे चलते हो? खोल खाल करके पूरा दिखा कर बारात हो आते हो नहीं? क्यों? क्योंकि हम पहनते दूसरों को दिखाने के लिए, समझ रहे ना? दूसरा अब बताओ ना, मैं गलत बोल रहा हूँ? घर पे रह करके किसको दिखाते हो? पूरा कम्बल उड़ाड़ के बैठते हो, पर जब जाते हो सब कान में कुंडल मुंडल सब दिखा के, ये है क्योंकि हम दूसरों को दिखाने के लिए। ये तो जो ये धन है ना, ये हम दूसरों को दिखाते हैं। राजा भी यही करता था, राजा भी दूसरों को लेकर के दिखाता था, देखो मेरे पास क्या है, सुंदरी स्त्री है। यानी कि हमारे पास जो धन है ना, वो हमारे सुंदरी स्त्री है। पर ये क्या कर, जिस समय राजा पूछता है कि रानी तुम मेरे साथ चलोगी, सुन लो क्या कहती है रानी, कि तूने तो मेरे को सब कुछ दिखा रखा है, इसलिए जैसे तू मरेगा झट में दूसरों की हो जाऊंगी। इसका मतलब देखो, धन ऐसी वस्तु है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसके वारिस को तुरंत वो जो प्रॉपर्टी है वो एकदम से करना नहीं पड़ता। कोई मुर्दा का अंगूठा लगाता है क्या? उससे पहले ही जो विल करना होता है उससे पहले ही हो जाता है। उससे पहले उसका कोई अगर वारिस होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पहले ही विल करना पड़ता है उसको। इसलिए ये धन ऐसा है, ये सारा कमाई किस लिए, धन कमा करके धन कमाने के लिए। इसीलिए बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा भैया। हाँ, अब तीसरी बारी है, तीसरी बारी कौन है बताओ? जो तोता की तरह मीठा मीठा बोलता था और उसको रीझ करके राजा सारे काम कर देता, तो ये तीसरी रानी कौन है? देखो जो कहाँ तक गई, घर के दरवाजा तक। ये हमारे सगे संबंधी है, ये सगे संबंधी है, हमें हर समय क्या करते हैं, भैया आप आए हो, आप कैसे हो, आप ठीक हो, आप हमारे बारात में आना, आप भैया हमारे घर प्रतिष्ठा में आना, आप इधर सारे हमें क्या करते हैं, अच्छे अच्छे मीठा मीठा बोलते हैं। पूछो जा करके जरा, जैसे हमारे दादाजी गए, हम उनके साथ गए क्या? गए क्या? जिसके दादाजी हैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनकी परदादा की बात कर रहा, मेरे दादाजी तो नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं उनको पूछूं तो वो मेरे को बता सकते, भैया तू तो गया नहीं था, या अभी जो हमारे साथ है क्या हमारे साथ चलेंगे? अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला है। इसलिए ये सारे लोग हमें कंधा देते हैं और राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है बोल करके कहाँ छोड़ाते हैं? घर के बाहर या शमशान घाट तक छोड़ाते हैं, ये आगे नहीं जाते। अब बारी आई चौथी रानी की, जिसके साथ कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो राजा के साथ जाने के लिए तब तैयार हो जाती है। देखो ये कौन है? हर बार हम हर समय में हर एक व्यक्ति के पीछे हम पैसा खर्च करते हैं, अपना एनर्जी देते हैं और अपना काल व्यय करते हैं, वे सब जाते नहीं है, पर अंतिम समय में अजामिल ने, अजामिल का नाम सुने हो भागवतम में? अजामिल का नाम सुना है? ये माता जी पूरा पंडित है, पूरा पंडित है ये। हाँ, ये भागवत में PhD करने वाली है। नारायण नारायण, देखो तो इसीलिए अजामिल ने पूरा समय उसने अपने बेटों को, अपना पत्नी को दिया, पर अंतिम समय में उसने भगवान को भी नहीं पुकारा था, उसने अंतिम समय में नारायण उसको बेटा को पुकार दिया था। अब मान लो कैसे, जैसे यहाँ से एक व्यक्ति जा रहे हैं जिसका नाम रोहित है, एक दो व्यक्ति जा रहे हैं यहाँ से जिसका नाम रोहित है, मैंने बोला अरे रोहित, अब वो व्यक्ति मुड़ के देखा और एक व्यक्ति है जिसका नाम भी रोहित था, तो वो भी देख लिया, तो ठीक इसी प्रकार से उसने पुकारा तो अपने बेटे को ही था, परंतु सुना भगवान ने, नारायण ने, इसलिए नारायण उनके साथ आ गए और अगले जन्म में उसके साथ दे करके उसके साथ अपने साथ ले गए। इसलिए जो अंतिम समय में कौन गया उसके साथ, जितना उसने भजन किया, जितना कृष्ण का उसने नाम लिया, जितनी एकादशी व्रत उसने की है, वही सब उसके साथ जाता है। तो ये है हमारी चौथी रानी। अब बताओ आप लोग कौन सी रानी को, कौन सी बहू को पसंद करोगे बताओ? भक्ति, इसीलिए भक्ति हमारे साथ जाती है। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल, हरी कृष्ण हरे कृष्ण। उसने जो चौथी रानी को पूरा नेगलेक्ट करके जीवन में रखा था, अभी उसने तीन रानी को तो पूछ लिया,
एक रानी बोला तो भैया मैं तो शमशान तक जाऊंगा, दूसरे बोले मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, जब तीसरे से बोले पत्नी को बोले कहाँ तक चलोगी, पत्नी कहाँ तक चलती है, दरवाजा तक चलती है। अभी चौथ ध्यान देकर सुने इधर, जो चौथी रानी को जब उसने पूछा, लेकिन चौथी रानी को उसने जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा था, चौथी रानी को कहते हैं चौथी रानी क्या बोले, भगवान की भजन हरि नाम। अगर किसी व्यक्ति को बोल लो थोड़ा हरि नाम करना, अरे सब बेकार बात है, जिसको पास में कोई काम धाम नहीं वही सब माला लेकर के हरे कृष्ण करते हैं, हमारे भजन भजन करने के लिए कोई हमारी समय नहीं है। हम ये चौथी रानी को जो भगवान की भजन है इसको ही जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आता है, अब लोग देखे होंगे जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, सुने हो क्या बोलते हैं, ले जाते हैं, बोलो जोर से राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने जीवन में राम का नाम लिया ना तेरे साथ में, तो बोलो वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किए हो सब तुमने झूठे में बिताया है, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसलिए जो चौथी रानी है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे, वो अंतिम समय में वही भगवान का नाम ही साथ में जाएगा और वो हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसलिए चौथी रानी को हमें ज्यादा प्रेम करनी चाहिए, और चौथी रानी क्या भगवान की नाम, बताए कहाँ जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ, जब सिनेमा देखने जाते हो ना तीन तीन घंटा बैठते, इधर आओ पांच मिनट और दो, इधर आ जा, नंबरिंग भी पूरी देख कर आ, देखो नंबरिंग भी नहीं छोड़ता है। चौथी रानी है, चौथी रानी भगवान का नाम है, केवल यही साथ में जाएगा, इसलिए हम बैठ करके और पांच मिनट, इधर आ जा, पीछे क्यों खड़ी हो, आप बैठ करके ना एक एक माला हम जप करेंगे। आप मेरे तरफ में देखो ध्यान दे करके, श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, एक समय उनको भक्तों ने महाप्रभु से निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका खाना है, भोजन है। भगवान बोले देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसके घर में भोजन करते हो, बोले जो लखपति होगा, आज से 5.5 साल पहले, लखपति मतलब जिसको पास में 1,00,000 स्वर्ण मोहर होगा उसके घर में हम भोजन करेंगे। बोले भैया हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप कहते लाख की बात करते हो, क्या हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। आप मेरे तरफ में देखो, भगवान ने कहा देखो असली लखपति कौन है, जिसको पास में जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, बोलो उसको बाद में मैं बिखरा हूं गली गली। जो असली जो हीरे मोती है भगवान की नाम ही हीरे मोती है। हाँ मेरे तरफ में देखो, ये ठाकुर जी ने बताए असली लखपति कैसे बनोगे, आप माला को देखो, जो माला है 108 मोती इसमें, ठीक है। जब ये माला को जब करते हैं ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर में ये माला रखते हैं, माला रख करके जैसे हरे कृष्ण, आप लोग मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें एक मोती सरकाते हैं, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसमें दो मोती सरकाते हैं। देखो इसमें 1,00,000 कैसे होता है, देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये 16 बार हो गया है और इसमें 108 मोती है इसमें। अगर एक माला, और देखो यहाँ पर जब खत्म हो जाएगा, सीख लो, जो यहाँ पर जब खत्म हो जाएगा ये अंगुल को हम पार नहीं करते, इसको ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके दूसरे तरफ से फिर करते हैं। अगर ऐसे 16 माला अगर कर लिया, वो हिसाब से होता है 25,000, अगर उसमें हमने 64 माला कर लिया ना हो जाता है 1,00,000। भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं जप की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, बोले दीन दीन बढ़त सवाय, आज अगर 1,00,000 करोगे ना कल तुमको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000 हो जाएगा, 4 दिन में 2,00,000 हो जाएगा। ये बात को कौन कह रहे हैं, ये बात को ठाकुर जी स्वयं कहते हैं। इसलिए असली जो धन है ठाकुर जी की नाम धन है और अंतिम समय में यही धन ही हमारी साथ जाएगा, यही धन ही साथ में जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम बैठ करके माला सब दे देते, यहाँ पर बैठ करके एक माला जप करके 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना। आज समझो यही धन ही साथ में लेकर के जाओगे,
और ये माला आपको देता हूँ, एक एक माला जप करना, और जिसकी इच्छा होगी हम माला जप करके ले लेना, और जिसकी इच्छा नहीं होगा हमें वापस दे देना। ठीक, ये माला दे दो तो ले लेंगे, बाद में ले हाँ। एक एक माला दे दो, पकड़वा दो, 5 मिनट लगेगा, एक माला मेरे साथ में सबके सब जप करना है, फटाफट दो। दर्शन गुरुदेव के, हरे कृष्णा, हरि बोल, हाँ ठीक ठाक हो, हाँ ठीक ठाक, हाँ अभी हम कहीं प्रवचन में कथा कर रहे हैं, हाँ अब थोड़ी देर बाद में फिर फोन कर, अब थोड़ी देर बाद में आपको फिर फोन कर। अब लोग सबके सब मेरे साथ में जप करो, ठीक है, आज समझो भगवान का जो नाम जप कर रहे हो ना, यही धन ही आपके साथ में धोली में भर कर ले जाओगे, और अंतिम समय में पूरा के पूरा ब्याज समझ आपको मिलेगी। हाँ ये समझ लो, अभी हम वृंदावन में बांके बिहारी के चरण में बैठे हैं, ठाकुर जी के चरण में बैठे करके नाम देखो, ये माला कैसे जप करके देख लो, ये सुमेरु यहीं से शुरू करना, ठीक है, एक तरफ से एक उधर पार करो, ऐसे नहीं इसको पार कर लो, इसको नीचे रखो, देखो मेरे तरफ पे देखो, देखो ये माला को इस तरफ ऐसे रहेगा, ऐसे मेरे तरफ पे देख लो, ऐसे ही इधर से जप करना, ठीक है, मेरे साथ में सबके सब बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आंख बंद कर लो, हरे राम हरे सिद्धार्थ से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे माला पूरी होगी ना। देखो आप लोग मतलब माला एक ही किया, जाने तो आप कितना फल मिला है। हम यहाँ कितने लोग बैठे हैं, 50-60 लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ने एक ही माला की, सब लोग ने जो माला कर रहे तो उनका आवाज आपके कान में भी पड़ी। इसलिए मानो आज 1,00,000 रुपया तुम्हारे नाम पर बैंक में फिक्स डिपोजिट हो गई, ठाकुर का नाम रूपी संपत्ति। ये ना बाद में आपको ब्याज समय दिए था ना आपकी मिलेगा। इसलिए हमारे भारत में इसलिए अंतिम समय में कहते राम का नाम ही सत्य है और जगत में सबके सब झूठा। और देखो आप जिनकी इच्छा होगी हम भी माला जब करना चाहते हैं, हम भी ठाकुर की माला जब करेंगे, जब माला इकट्ठे करके मेरे पास में ले आएंगे, अगर आपकी इच्छा होगा तो आप लोग भी माला ले करके, माला जैसे खाने से पहले आप जप कर सकते हो, जब आपकी इच्छा होगी अब तभी ये माला को आप जप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आज इन्होंने, आज ये घर का मालिक कौन है, खड़े हो जाए इधर आ जाए। देखो इन्होंने आज भक्तों को अपना घर में बुलाए और यहाँ पर उन्होंने सत्संग करवाए, हरे कृष्णा ठाकुर का कीर्तन, ठाकुर का सत्संग हुई, हरे कृष्णा ये सत्संग हुई है। देखो इधर ध्यान दे कृष्ण माता जी, ये शंकर जी ये पार्वती को ये स्वयं कहते हैं, ये कौन कह रहे हैं, शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती सत्ता संगति दुर्लभ संसारा, ये संसार में जो सत्संग है, मत इधर सुना माता जी, कहते ये जीवन की जो जीवन में जो सत्संग है ये बड़े भाग्य से मिलता है। ये शंकर जी पार्वती को स्वयं कहते हैं, बोले पार्वती जीवन में जब सत्संग मिल जाए क्या समझना, जीवन का सारे दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त हो गए। इन्होंने आज अपना घर में भक्तों को बुलाया, घर में हरि कथा सत्संग हुई है, ठाकुर इनको पर में बड़े खुश हुए होंगे, हैं? क्योंकि भगवान की कथा जीवन में, शंकर जी को अगर कथा सुनना हो तो कैलाश छोड़कर आते हैं, देवता को अगर सुनना हो वैकुंठ छोड़, देवता लोग स्वर्ग लोग छोड़ करके आते हैं, अगर ब्रह्मा जी को कथा सुनना हो तो वो ब्रह्म लोग छोड़ करके आते हैं, गरुड़ जी को छोड़ना तो उन्होंने वैकुंठ छोड़ कर आते हैं, ये सत्संग सुनने के लिए। शंकर जी पार्वती को ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम लोग बैठ बैठ करके घर में हमें ये सत्संग मिल गया, मतलब हम बड़े किस्मत वाले, हम बड़े भाग्यवान हैं। इन्होंने बच्चों ने
और इन्होंने अपना संतों को उन्होंने बुलाए, घर में सत्संग करवाए, इसलिए ठाकुर जी इनको घर में, ठाकुर जी इनको ऊपर में और इनके परिवार को ऊपर में ठाकुर जी खूब आशीर्वाद करे कि जीवन में शांति सुख में रहे और खूब फलते फूलते रहे। इनके लिए ताली बजा कर अपना नाम क्या है? हाँ क्या? बिशनपाल। हाँ ठाकुर जी, और बच्चों का नाम क्या है? लड़का मैनू, क्या नाम? मैनू कुमार। और बेटा? हाँ, इसलिए बेटे बच्चे को ऊपर में ठाकुर जी खूब आशीर्वाद करे, खूब कृपा करे, ये खूब फलते फूलते रहे। बच्चा कौन है? इनका बेटा कौन है? ये बेटा है। हाँ आ जाओ इधर, आ जाओ। इनकी बहू कौन? बहू शादी होगी नहीं? शादी हो गई? बहू कहाँ है? हरे कृष्णा। आ जाओ बेटा इधर, आ जाओ इधर, अपना बहू को कोई ना देना। हाँ हरे कृष्णा। हाँ हाँ, एक भजन सुंदर भजन। हरे हाँ ठाकुर जी, हरे हाँ हरे कृष्णा। हरे हाँ हरे कृष्णा। आप लोग देखो, जैसे इन्होंने प्रोग्राम किया, साधु संत आए, अगर आप लोगों के मन में भी ऐसा होगा कि हमारे घर पे भी ऐसी प्रोग्राम हो, क्योंकि जो भगवान की कथा कीर्तन से संसार के अमंगल नष्ट होता है, अगर आपके मन में भी ये इच्छा होगी तो कोई इसमें किसी प्रकार खर्चा